हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अभी निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए और बारिश हो रही है आज यहाँ। यार लखनऊ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वक्त भी लगातार बारिश ही हो रही है। आप देख सकते हैं मौसम का हाल बहुत बुरा है। और मैं जा रहा हूँ कॉलेज, अभी मुझे असाइनमेंट कम्प्लीट कराना है। सो अभी चलते हैं कॉलेज और मिलते हैं आपसे प्रैक्टिकल के बाद। टाटा। हाय बोलो। हाय क्या भाई, क्या सुन रहे हो तुम लोग? सुनो तुम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो फाइनली मेरा प्रैक्टिकल आज का भी ख़त्म हो गया है। 2 प्रैक्टिकल मेरे कंप्लीट हो गए और एक आखिरी प्रैक्टिकल बचा है जो कि कल है और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने अभी एक डिसीजन लिया है जो कि मैंने अभी किसी को नहीं बताया है, वो आपको पता लग जाएगा, आज के ही ब्लॉग में पता लग जाएगा। मैं आपको आज शाम तक बता दूंगा क्या है, कैसे है सारी चीज़ें। हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर अभी और जो मैंने डिसीज़न लिया है, मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान था उस चीज़ को लेके कि ये क्या करना है, कैसे। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, मेरे दिमाग में एकदम मैसअप हो गया था सारी चीज़ें। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, बट मैंने फाइनली डिसीज़न ले लिया है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, बस ये लास्ट, इसके बाद एक सेम और बचा है, एक सेमेस्टर और बचा है, लास्ट है वो। और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें है, मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि बहुत आसान सा है और उसमें आने की कोई ज़रूरत है नहीं। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि इसके बाद मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूँगा और मैंने पूरी तरीके से प्लान कर लिया था सही, बट आप लोग भी बहुत अच्छे जान रहे हो कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिल्ली में। आपने आज न्यूज़ देखोगे आप कि वहाँ पे सेमी लॉकडाउन भी लग चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है इन फ्यूचर की। और मेरे साथ अभी लास्ट टाइम ही 2021 में ही मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कोरोना से। सिर्फ मैं इकलौता बचा था, बाकी पूरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, सबको कोरोना हो गया था, तो पापा की भी तबीयत सबकी गड़बड़ हो गई थी। सो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अभी इस वक्त इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा। और लगभग जो 2-2.5 महीने, क्योंकि मुझे पता है कि केसेस जो आ रहे हैं वो यूपी में तो अभी नहीं आएंगे फिलहाल, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपी में केसेस की ग्रोथ अभी क्यों नहीं हो गई और यहाँ लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे था। सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगा कि यूपी 2022 का इलेक्शन जो है उसके बाद ही जो होना होगा होगा, ये तो डेफिनेटली श्योर है। आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं क्योंकि आपने लास्ट टाइम खुद ही देखा होगा। क्या ही कहना उस चीज़ बारे में। और बाकी मैं इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। मैं यहाँ से कल मेरा लास्ट प्रैक्टिकल का पेपर वो कंप्लीट करके मैं कल की डेट में यानी 30 तारीख को मैं कल चला जाऊँगा। कल पापा आ रहे हैं कार से, मैं सारी चीज़ें लेके, मेरा सामान वगैरह सब लेके मैं चला जाऊँगा घर। और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या प्लान है, बाकी वहाँ जाने के बाद
क्या करना है क्या नहीं करना, मैं वहीं जाके डिसाइड करूँगा। और अभी तो कोई मतलब है नहीं इस बारे में आगे, तो इसीलिए मैंने फाइनल डिसीजन ही ले लिया कि घर चलते हैं और कुछ दिन रेस्ट भी करेंगे। रेस्ट इवन क्या करना है, मेरा यूट्यूब चैनल मैं उस पर ही रन करूँगा, बाकी ब्लॉग आपको डेली डेली ही देखने को मिलेगा, डेली डेली आपको ब्लॉग मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपसे शेयर करनी थी। और हाँ, अभी मैं जो व्लॉग है, आज व्लॉग आने में लेट हो गया क्योंकि कल लखनऊ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और नेटवर्क इशू हो गया था, इसीलिए मैं व्लॉग कल अपलोड नहीं कर पाया, और इसीलिए वो व्लॉग मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। और व्लॉग अपलोड हो चुका है, अभी 6 बजे तक मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। व्लॉग पूरा कम्प्लीट हो गया अपलोड होके, बस मैं मुझे क्लिक करना है, शेड्यूल लगा दिया मैंने, अपलोड हो जाएगा अभी 6 बजे तक। सो ये सारी चीज़ें थी, और मुझे भी सब पैकिंग भी करनी है, लगभग मैंने पैकिंग कर ली है कल, क्योंकि कल सुबह उठते ही मुझे प्रैक्टिकल के लिए निकलना है। कल 12:30 से प्रैक्टिकल है, कल प्रैक्टिकल देने जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग घर आएंगे, और पापा का लगभग वही क्या नाम है 4 या 5 बजे तक पापा आ जाएंगे, फिर कार से सारा सामान रखेंगे, फिर निकल जाएंगे घर के लिए। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। सो उसको वहाँ पहुँचेंगे, फिर आपसे घर पे अब मुलाकात करेंगे, घर से सारी जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर करेंगे। और बाकी फ़िलहाल मैंने एक प्लान भी किया है, होप सो अगर वो देखते हैं अगर वो सक्सेस होता है कि मुझे घूमने के लिए निकलना है। तो मैंने सोचा कि चलते हैं, अभी केसेस उतने ज़्यादा अभी नहीं है यूपी में, तो मैंने कहा कि चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि बाकी बाहर का। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ मिर्ज़ापुर हिंडालको, वहाँ पे मेरी बुआ जी रहती हैं, उनके पास जाएंगे और वहाँ का आपका सर सबको आप वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है, पहाड़ वाले इलाके हैं, सारे माउंटेन्स हैं, तो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। टाटा, बाय बाय।